देखिए वैसे तो लोग जो है, और जो योगा फिनेटिक्स तो नहीं कहूंगी मैं, लेकिन हाँ योगा के चाहने वाले होते हैं, वो दिन में एक आधा घंटा तो योग के साथ बिताते ही हैं। लेकिन आप यकीन मानिए, अगर शुरुआत कर रहे हैं तो 5 मिनट से कीजिए। योगा आपके शरीर को खोल देता है, यू विल इंस्टेंटली फील किस तरह फ्लेक्सिबिलिटी जो है ना वो बढ़ गई है। यकीन नहीं आता तो हमारे साथ एक डे आउट कीजिए रेने दुबे के साथ। जी हाँ, अपने दिन में किस तरह ये योग को फिट करती है देखिए। वेलकम SBS ओरिजिनल टू माई प्लेस। आप सभी का स्वागत है और आज आप मेरे साथ पूरा एक फुल डे मनाने वाले हैं, बनाने वाले हैं। और शुरुआत करेंगे हम मेरे इस दहलीज से। मैं ना अपने घर को लेके वैसे भी बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर रही हूँ। मैं हमेशा, बिकॉज मैं पहाड़ से हूँ, तो मुझे वो ग्रीन, वो वाइट, वो पीस का मिक्सचर तो मुझे मेरे घर पर चाहिए। आप देखेंगे मैंने एंट्री में ही क्वीन का नाम रखा हुआ है, दैट इज एब्सोल्युटली ऑफ कोर्स मी जस्ट, और मेरे साईं बाबा, एंड दैट्स विद द प्लांट एंड ऑल। अगर आप देखेंगे तो मैंने अपनी प्लांटेशन, अपनी ग्रीनरी यहीं से शुरू कर दी है। तो आप देखेंगे मेरे कुशन्स बहुत कलरफुल हैं, मेरा जो बैठक है वो वाइट इन कलर है, और अगर आप देखेंगे मेरे लैंप्स वगैरह भी देखेंगे, दैट इज ऑल्सो वाइट, द कर्टेंस आर ऑल्सो वाइट, एंड देर इज अ ग्लिम्स ऑफ ब्लू। So this shows me, this shows what kind of a aura I carry. अब सी, अगर आप इस रूम को भी देखेंगे तो आपको इस रूम से काफ़ी एक अलग वाइब आ रही होगी। अगर आप देखेंगे देर इज़ अ बैठक, प्रॉपरली मैं अर्ली मॉर्निंग बर्ड हूँ, तो मैं सुबह उठ के कुछ सिलेक्शन है मेरे पास किताबों का जिनको मैं पढ़ती हूँ। पढ़ने के बाद वो लव टू हैव माई कप ऑफ टी, और जैसे काफ़ी सारे लोग जानते हैं कि मैं फिज़िकल एक्टिविटीज़ में बहुत हूँ, क्रॉसफिट में, कार्डियोज़ वगैरह में काफ़ी कुछ हूँ, योगा में बहुत कुछ हूँ, मेडिटेशन में बहुत कुछ हूँ, तो ये पूरा रूम आपको वही दर्शाने वाला है। यहाँ भी आपको मेरी बेडशीट में ग्रीन दिखेगा, थोड़ा आउटर ग्रीन दिखेगा आपको, बट हाँ यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो मेरी जो चॉइस है दैट इज़ वाइट, एब्सोल्युटली वाइट। रेड का मैंने थोड़ा सा कॉम्बिनेशन रखा है क्योंकि थोड़ा सा ग्लैमर अपने रेस्ट रूम में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो ग्लैमर के चक्कर में मैंने थोड़ा सा रेड का टच दिया है, जैसे मेरा कारपेट और मेरा कर्टिन है, वरना एल्स इट्स ऑल वाइट, ऑल वाइट। वो एक कॉर्नर है मेरा जिसमें मैं सुबह और शाम ही जाती हूँ। देन इफ़ यू कैन सी दैट देर इज़ अ स्मॉल बैठक आउट है, ये बैठक स्पेशली है। अब हमारी इंडियन माएँ सुबह हमें बिना फ़ोन किए हुए जी नहीं सकती, तो जब मेरा कई बार मन नहीं होता सुबह बेड में से 7 या 8 बजे उठने का और उनका फ़ोन आ जाए, तो मैं वहाँ से कूद के यहाँ बैठ जाती हूँ, एक किताब पकड़ में कहती हूँ मम्मा मैं रीडिंग कर रही हूँ, बातें बात करती हूँ। ये मैंने अभी रिसेंटली बाई किया, पहले मैं सोच रही थी कि मैं अपने इस शीशे को ना कहीं दीवार पे लगवाऊं, अब बताना थॉट में भी कि यार मिरर, एक स्टैंडिंग मिरर इस तरीके का रख लूँ जो मैं कहीं पर भी यूज़ कर सकूं। छाछ आई थिंक हर किसी के घर में बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती है, छाछ दही से बन जाती है, या आप रेडीमेड पैकेट आता है आप वो पैकेट मंगा लीजिए। ये ना गर्मियों का, मेरी मेरी माता जी ने मुझे बताया कि गर्मियों में दिस इज़ द बेस्ट
बेस्ट, क्योंकि मुझे दही का भी बहुत शौक है। आई थिंक हम सबके लाइफ में कहीं ना कहीं दही एक बहुत बड़ा महत्व रखती है। देखिए, मैं नॉर्मली योगा रूटीन को अपनी डेली लाइफ में तब लाती हूँ जब मैं क्रॉसफिट, इन द सेंस मैं कोई भी एक्सरसाइज मेरी लाइफ में नहीं है, इन द सेंस मैं जिम नहीं जा पा रही हूँ, तब मैं योगा लाती हूँ। बिकॉज योगा इट्स अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन, इट्स अ फॉर्म ऑफ कामनेस, इट्स अ फॉर्म वेयर यू कैन सिट एंड यू कैन वर्क ऑन योर फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी, इन द सेंस आपके वो अंग शरीर के जिनको खुलने की काफ़ी आवश्यकता है, सो दैट आप आगे हैवी एक्सरसाइज कर सके। तो आप जो पोज हम करने वाले हैं, इट्स अबाउट बैलेंसिंग, इट्स अबाउट स्टेइंग, एक जगह पे रुकना और एक जगह का ठहराव। अब ये जो पोज मैं करने वाली हूँ, ये आई एम श्योर आप जब अपने बेड में लेटे हुए होते हो पक्का क्या होगा, अभी नहीं करते होंगे तो बचपन में ज़रूर किया होगा। मैं हमेशा वैसे भी अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेके बहुत ही प्राइवेट रही हूँ, जब भी मैं कुछ करने वाली थी मैं कभी भी इसके बारे में पहले आके बात नहीं करती हूँ, बट बहुत सारी चीज़ें पाइपलाइन में, आप बहुत जल्द मुझे कहीं पर देखेंगे, हम फिर रूबरू करेंगे एक दूसरे के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ, SBS ओरिजिनल के साथ। टेक केयर, बाय बाय। ABP News, आपको रखे आगे। क्या 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 वाकई में राम अपनी प्रिया के साथ शादी तोड़ देगा, और वो भी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के कहने पर? भैया कुछ ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ तो राम भैया जो है वो दूल्हा बनकर बैठे हैं, तो प्रिया जो है अपनी हल्दी और मेहंदी सेरेमनी कर रही है, लेकिन इस बीच राम की एक्स गर्लफ्रेंड आग लगा रही है, कह रही है राम को, भड़का रही है राम को कि शादी तोड़ दो। जितनी सीधी और जितनी सिंपल प्रिया है, ये देखिए उसकी हल्दी भी उतनी ही सादगी के साथ हो रही है। पूरा परिवार अपनी इस बिटिया रानी के लिए है बहुत ही खुश है। ढोल बज रहे हैं, हल्दी लग रही है, फूलों की बरसात हो रही है, और जरा मम्मी जी को देखिए वो कैसे अपनी प्यारी बिटिया की तस्वीर खींच रही हैं। अब वो चाहती हैं कि प्रिया को राम भी देखे, उन्हें कौन बताए कि राम तो देखिए सीधे के सीधे यहीं चला आया है दूल्हा बनकर। फाइनली शादी हो रही है और अभी सेरेमनी में हम सब लोग बहुत मज़ा कर रहे हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं, हल्दी लगा रहे हैं प्रिया को, और काफ़ी सारे मेहमान आए हैं, दो हमारे रिश्तेदार थोड़े कम आए हैं, पर हमारे आस पड़ोसी बहुत हेल्प कर रहे हैं हमारी, और बहुत मज़े से हम हल्दी की सेरेमनी मना रहे हैं। तो पूरा नाच गाना, ढोल बज रहे हैं, ढोलक बज रही है, फूल बरस रहे हैं, हल्दी लगाई जा रही है प्रिया को, और वैसे भी मेरी बेटी तो है ही खूबसूरत,
तो उसे हल्दी वल्दी की जरूरत नहीं थी, पर फिर भी चलिए लगा ली हमने हल्दी। अब आपको बता दे, ये ना पर्दे के पीछे का नजारा है, असली नजारा तो वहाँ पर हो रहा है जहाँ पर कृति परेशान है। जब उसने राम को दूल्हा बने देखा तो उसे लग रहा है कि मेरे हाथ से तो राम गया। फिर क्या, वो समझा रही है राम को कि वो अपनी माँ को जाकर सारी सच्चाई बता दे, इस शादी से इनकार कर ले। मेरा परिवार मेरे लिए वेट कर रहा है, बारात निकलने का। डॉक्टर प्रिया उसकी फैमिली वो वेट कर रहे हैं, उनकी रिस्पेक्ट का क्या? बहुत देर हो चुकी है, मैं अभी शादी तोड़ नहीं सकता है। बिल्कुल देर नहीं हुई है। देखो तुम जाकर अपनी मॉम को बता दो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मुझसे शादी करना चाहते हो। तुम उन्हें समझाओ ना कि प्रिया तुम्हारे बीच में कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है तुम्हारे लिए। अच्छा वो समझ जाएगी ना राम, हम आज किसी मंडप में शादी कर लेंगे तुम और मैं। हर फंक्शन में कृति ने ट्राई किया है कि ये शादी टूट जाए। अब वो दिन आ गया है कि शादी वाला दिन आ गया है, तो अब एक लास्ट ट्राई कृति की साइड से हुआ है कि राम और प्रिया की शादी ना हो और राम और कृति की शादी इसी मंडप में हो जाए। अब राम अपनी माँ की खुशी के लिए ही एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर रहा है, तो ऐसे में वो कभी भी नहीं चाहेगा कि इस मौके पर उसकी माँ को ये सच्चाई बताए। कृति ने कोशिश तो पूरी की है कि राम उनकी बात मान ले, अब आपको एपिसोड देखना पड़ेगा ये जानने के लिए कि क्या वो उसकी बात मानते हैं या नहीं। हाँ, कृति एक्चुअली बहुत गिल्टी है और उसे बहुत बड़ा धक्का लगा है। वो एक्चुअली समझ चुकी है कि उसने जो किया वो सही नहीं किया था। उस वक्त उसके माइंड पे सिर्फ करियर 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 था और अब उसके हाथ में उसके हाथ से उसका करियर भी फिसलते जा रहा है और साथ साथ उसकी स्टूपिडिटी की वजह से राम भी फिसलते जा रहा है, तो वो उसको डबल हिट हुआ है। हालांकि कृति प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश जरूर करेगी, लेकिन कोई नहीं, शादी तो राम और प्रिया की ही होगी। मुंबई से प्रथमेश शानबाग के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भैया ये टीवी की दुनिया कमाल है ना, यहाँ पर स्टोरी क्या छलांग लगाती है कई बार। अब कल आपको याद होगा कि बेकाबू में एक तो बेला का पूरा किडनैपिंग का ड्रामा चल रहा था और आज बात सुहागरात तक पहुंच गई भाई, रानव और बेला की, देखिए ना आप भी। की तरह देखिए कैसे लाल साड़ी में इस सजी है आज ये बेला। अब बेला के लिए ये बेला बहुत ही खुशियों भरी है ही, क्योंकि उसकी रानव से शादी जो हो रही है। अब शादी से पहले अपनी दुल्हन से मिलने आया है ये दुल्हा। खूबसूरत परी तो वो है ही, लेकिन आज जब वो लाल जोड़े में सजी है तो भाई सच में नजरें नहीं हट रही हैं बेला पर से। रानव का भी कुछ ऐसा ही हाल है, तभी तो वो बेला को देखकर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। वहीं अपने बेटे और बहू को इतने करीब देख इस सासू माँ देखिए कितनी खुश हो रही हैं। अब सासू माँ की बदौलत ही तो इन दोनों की फिर से शादी हो रही है और इस शादी में प्यार है, उम्मीद है, विश्वास है जो कि पहले नहीं था। इस रोमांटिक सीन से पहले एक सीन ऐसा भी हुआ जो एकदम एक्शन भरा था। एक कांच के टुकड़ों पर रानव गिरा है। राक्षस और परी की स्टोरी है तो फाइट एक्शन ज्यादा होगा,
तो मुझे लगता है कि प्रिकॉशन बहुत ज्यादा जरूरत है। कितना मुश्किल होता है इस तरीके के स्टंट को शूट करना। बारीकी से ध्यान देना पड़ता है कि कहीं किसी को भी हल्की सी खरोच नहीं आए। हाँ, इस तरह के जहाँ पे कांच वगैरह तोड़ना हो या किसी रिस्की शॉट है जहाँ पे चोट लगने का डर होता है, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे प्रिकॉशन रखना चाहिए। तो पता नहीं क्यों मेरे मन में डर आता है कि कहीं लग गया किसी को और उस समय हम ढूंढ रहे हैं और नहीं मिला, तो थोड़ी परेशानी बढ़ सकती है। और देखो, संयोग से मैंने मंगवाया फर्स्ट एड बॉक्स और उस बच्चे को कांच से थोड़ा चोट लगी, उसको ब्लड भी आया, तो फटाफट चीजें थी, तो थोड़ा ध्यान रखना बहुत आसान हो गया। अब बेकाबू शो है ही ऐसा, पल भर में यहाँ पर एक्शन होता है तो पल भर में रोमांस, लेकिन ये भी तो सही है कि दोनों ही चलता है तभी तो शो भी चलता है। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वेल, आपको आश्रम की बबीता याद है, यानी कि त्रिधा चौधरी। नाउ, ये एक्टिंग तो कमाल की करती हैं, लेकिन ये डांस भी कुछ कम खतरनाक नहीं करती, यकीन नहीं आता। तो चलिए आपको इनके डांस रिहर्सल पर लिए चलते हैं। क्या है ना कि इन दिनों कमर कस के खूब प्रैक्टिस हो रही है। आखिरकार उनकी आने वाली फिल्म जो है पपी लव, वो जो आपका इंतजार कर रही है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हम उसका इंतजार कर रहे हैं। त्रिधा चौधरी, जिन्हें आपने सीरीज आश्रम में बबीता के किरदार में देखा था, और बंदिश बैंडिट में भी आप इन्हें ऑलरेडी देख चुके हैं। इनका अवतार तब कुछ और था, लेकिन अब त्रिधा का नया अंदाज हम सबको देखने को मिल रहा है। त्रिधा को आपने कभी भी इतना बेहतरीन डांस करते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए त्रिधा इतने पसीने बहा रही हैं, वो भी अपनी डांस रिहर्सल में। एक नई फिल्म आ रही है मेरी, बहुत ही अच्छा उसका कॉन्सेप्ट है, उसका टेंटेटिव टाइटल है पपी लव। बहुत जल्दी समझ में आपको आएगा। मेरे ऑपोजिट में तनुज विरवानी है, एंड हम लोग अभी रिहर्सल कर रहे एक सॉन्ग के लिए जिसकी कोरियोग्राफी की है फिरोज खान ने। सो गाना अच्छा है, कोरियोग्राफी अच्छी है, मुझे अभी बुलाएंगे थोड़ी देर में, बट आई एम एंजॉयिंग इट। पहली बार डांस कर रहे देखेंगे आप इनको। या आई नो त्रिधा, मैं एक्चुअली काफ़ी सारे टाइम से इस प्रोजेक्ट पे काम करे, और इस प्रोजेक्ट का नाम है पपी लव, और हम दोनों बहुत ही एक्साइटेड है इस फिल्म को लेकर। एंड हाँ, जैसे इन्होंने अभी मजाक किया, पर सच भी है कि हाँ, मैं बहुत अरसों के बाद मैंने डांस किया है, और सच्ची में हाँ, इट्स हार्ड वर्क। त्रिधा चौधरी की अपकमिंग फिल्म पपी लव में तनुज भी नजर आएंगे, और दोनों ही बड़ी मेहनत और पूरी शिद्दत से डांस प्रैक्टिस कर रहे हैं। कोरियोग्राफर भी दोनों को हर स्टेप बड़ी खूबसूरती से सिखाते हुए नजर आए, और ब्रिलियंट स्टूडेंट की तरह दोनों उसे जल्दी से सीख भी रहे हैं। इस तरह त्रिधा के इस अंदाज को देख फैंस को जरूर झटका लगेगा। फ्री टाइम
अच्छा मैं अपने पीए से पूछ के बताती हूँ, नहीं फ्री टाइम तो कुछ ऐसा होता नहीं है। अच्छा लग रहा है कि आश्रम और बंदिश बैंडिट्स के बाद माय डेट्स आर बुक्ड एंड मुझे काफ़ी सारे ऑफर्स मिले हैं, मिल रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ है। इस साल काफ़ी रिलीजेज है, फिल्म रिलीजेज, तो उसी पर फोकस कर रही हूँ क्योंकि पैच वर्क, डबिंग्स ये सब हो रहा है। और कभी कभार मौका मिलता है तो हाँ विदेश चली जाती हूँ क्योंकि ट्रैवल तो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। त्रिधा जो भी काम करती हैं उसमें उनकी मेहनत और लगन जरूर नजर आती है। अब त्रिधा की आने वाली फिल्म का इंतजार रहेगा क्योंकि सभी को इनसे काफी उम्मीदें हैं। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई स्टार बहू का खिताब मिल गया है हमारी फालतू को। भाई जब मित्तल परिवार की लाइफ में इतनी खुशियां आई हैं, उनकी प्रॉपर्टी वापस मिल गई है, पार्टी शार्टी हो रही है, तो इस बीच ससुर जी ने भी खिताब दे दिया है अपनी प्यारी बहू को स्टार बहू होने का। बन गई है स्टार बहू। मित्तल हाउस की बहू बनने के बाद आज पहली बार फालतू को मित्तल खानदान की बहू का दर्जा मिला है। लेट्स वेलकम आवर स्टार बहू फालतू मित्तल। ये देखने में छोटी है लेकिन छोटा पैकेट है बड़ा धमाकेदार। आज मैं दुनिया के सामने सीना चौड़ा करके कह सकता हूँ कि फालतू मेरे बेटे की पत्नी है, इस घर की बहू और मेरी बेटी। थैंक यू फालतू। अब जब स्टार बहू का दर्जा मिला है तो तैयार होना तो बनता है। इस बेबी पिंक साड़ी में फालतू बेहद ही खूबसूरत लग रही है, यहाँ तक अयान की भी नजरें फालतू से हट नहीं रही। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, मेरे तो बहुत सारी तारीफ की है बाबा ने और आई एम वेरी हैप्पी। और अभी सब कुछ अच्छा हो रहा है जैसे कि सेड, और पूरा मित्तल परिवार एक साथ है, पर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होगी। फालतू और अयान की मेहनत की वजह से ही आज मित्तल खानदान को उनका सब कुछ वापस मिल गया है, तो इस खुशी को सेलिब्रेट करना भी जरूरी है। पूरा परिवार इस पार्टी में शामिल हुआ है, यहाँ तक कि दुश्मन भी अभी दोस्त बन गए है। बहुत ही कठिन दिन अयान को जेल जाना, अपने ही मार्ट में नौकरी करनी, फालतू मेरा बेटा अयान टूटे नहीं, हाल की तरह इस फैमिली के लिए बनकर खड़े रहे। और हम जेम मार्ट को कहां से कहां ले जाएंगे देखना तुम लोग। मित्तल्स के साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, फाइनली घर में हमारा बिजनेस आ गया है, पैसे आ गए हैं और सब लोग साथ में हैं, खुश हैं। वी हैव मेड अप विद जिनसे जो हमारे दुश्मन थे, सुमित्रा, तनीषा एंड सिद्धार्थ, उनसे भी दोस्ती हो गई है। लेकिन फालतू आप तनीषा पर अंधाधुन भरोसा मत कीजिए क्योंकि वो कभी सुधरने वालों में से नहीं है, तो सेलिब्रेट करते वक्त सतर्क रहिए। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हाय, हाउ आई विश मैं वो गाना गा पाती, दो दिल
मिल रहे हैं, मगर चुपके चुपके, आई नो आप चाहते ही नहीं है कि मैं गाना गाऊं, क्योंकि मुझे पता है कि जब जब मैं गाना गाती हूँ लोग भाग जाते हैं, बट काश काश मेरी आवाज में सुर होता तो मैं इमोशंस के साथ अगली कहानी आपके लिए बयान करती। बट समझ जाइए, कथा और बयान जो है ना, वो अलीबाग से जब से असाइनमेंट से आए हैं ना, तो बस बिल्कुल इनकी हालत वही हो गई है, दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। कुछ ऐसा हो गया है जिसके चलते ही कथा और व्यान दोनों ही बदल गए हैं। व्यान के दिल में तो कथा पहले से ही घर कर गई थी, लेकिन अब ही कथा के दिल में भी व्यान बसने लगा है। उसके मन में व्यान को लेकर बहुत सारी फीलिंग्स आने लग गई है। कथा कहीं ना कहीं आई थिंक शी इज थिंकिंग अबाउट इट, शी नोज दैट जो उसका दिल है वो चाह रहा है टू गेट इनटू दिस होल थिंग। आई डोंट थिंक उसने रिलेशनशिप सोचा है, बट डेफिनेटली व्यान इज़ वेरी स्पेशल टू हर नाउ, बहुत ही ट्रस्ट करने लगी है व्यान को, दैट्स एंड शी फील्स वेरी कम्फर्टेबल विद हर, सो दिस इज़ वॉट इज़ हैपनिंग आई थिंक, जो कि प्यार की शुरुआत में होता है, दैट यू फील सो मच कम्फर्ट एंड यू बिकम गुड फ्रेंड्स, यू टॉक सो मच, तो यही सब हो रहा है। वियान इन दिस मोमेंट इज जस्ट लाइक इन्जॉइंग, ही ज़्यादा सोच रहा नहीं है, बस ही इज़ इन्जॉइंग एंड अच्छा लग रहा है कि व्हेन ही टर्न्स अराउंड द जिस शख्स से वो इतनी मोहब्बत करता है वो भी उसे देख के तो बड़ा अच्छा लगता है। या अलीबाग में इन दो दिनों में हिमानो कथा ने अपनी पूरी जिंदगी जी ली हो वियान के साथ। अलीबाग वाला प्रोजेक्ट भी इन्हें मिल गया, पूरी टीम ने वाह वाही भी की, और उसके बाद जब मीटिंग में कथा और वियान थे तब देखिए कैसे ये एक दूसरे को बस देखते ही चले जा रहे थे। सो कथा और वियान जो कॉन्फ्रेंस थी अलीबाग में वहाँ दो दिन की, वहाँ से वापस आए हैं और दोनों ने बहुत ही अच्छे मोमेंट्स साथ में गुजारे हैं, बहुत सारी मेमोरीज बनाई हैं। सो कथा की तरफ से भी कुछ इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स वियान नाउ, एंड तो वो उसको काफ़ी नोटिस कर रही है, एंड शी नोटिस हाउ ही इज़ एडमायरिंग हर ऑल द टाइम, और उसी का यहाँ पर ये शूट कर रहे हैं कि वो किसी को कुछ बता रहे होते हैं मेरे बारे में और मैं उन्हें देखती हूँ और हमारी नज़र मिल जाती है, और सो या दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग इन द ऑफिस टुडे। ये पल दोनों के लिए बहुत ही खुशी भरा है। इन दोनों में से किसी को भी ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे प्यार को एक नाम मिलना चाहिए या फिर शादी होनी चाहिए, इनके लिए तो इतना ही काफ़ी है कि जब जब ये एक दूसरे को देखते हैं इनके दिल को तसल्ली होती है, एक अपनापन सा महसूस होता है और एक दूसरे के साथ रहने का मन करता है। तो भाई कथा, आपको बता दें कि प्यार इसे ही कहते हैं, और आप भी अब अपने प्यार का इजहार कर ही डालिए। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये
ये कहानी तो शुरू हुई थी सुमित से, लेकिन अब कहानी आगे बढ़ गई है जहां पर सुमित इस श्लोक को जलाने के लिए ये देखिए क्या क्या कर रही है। वानी दी की बैचलरेट पार्टी है और हमने उनके होने वाले पति को बुला रखा है, तो हम कंसिडर कर रहे हैं, हमने बस नाम दे दिया है बैचलरेट पार्टी, पर हम तो बस मस्ती कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं है। यहाँ तक कि बैचलर्स पार्टी में वो डांस कर रही है, जबकि वो जानती है कि श्लोक उसे प्यार करता है और वो श्लोक को। अब श्लोक सुमित को ये बताना तो चाहता है कि वंडर बॉय वही है। वंडर बॉय को वो अपनी आवाज देता है, लेकिन चेहरा एक किसी और का है। ये सच वो बताना चाहता है चांद के जरिए। लेकिन सुमित अभी कुछ भी मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि श्लोक ने उसे झूठ कहा है। अब ये झूठ क्यों कहा है, इसके पीछे की वजह क्या है, सुमित ये जानना ही नहीं चाहती है। फिलहाल उसकी बहन बानी की बैचलर पार्टी हो रही है और वो अभी केवल डांस करना चाहती है, जो वो कर रही है। चेहरे का रंग उड़ाने के लिए डांस हो रहा था। एंड वी गिव आवर बेस्ट शॉट, शी इज अ रियली गुड डांसर। एक्चुअली हमें तो मजा आ रहा था, जबकि हमें बोला जा रहा था कि हमारा फील अलग था, मुझे मेरा फील अलग था, आई हैड टू बी सैड, तो मैं इतनी खुशी डांस नहीं कर पाई, पर मुझे वैसे मजा आ रहा था, तो मैं रिहर्सल में मजे ले रही थी, आई होप कि आप लोगों को देख के उतना ही मजा आया जितना हमें आया। आगे कहानी थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली हो जाएगी, जो ये शो नहीं देख रहे हैं ना, वो कंफ्यूज जरूर होंगे, लेकिन टेंशन मत लीजिए, आप सबका कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम है ना। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देवर या जंजीर, जी हाँ, यहाँ पर जो कृष्णा है वो आंखों पर पट्टी बांधकर भी 100 में से 100% अपने पूरे काम फिनिश कर रही है। देखिए ना, माता की चौकी है तो उन्होंने आंखों पर पट्टी बांधकर माता का श्रृंगार भी कर दिया, यही नहीं गुंडे जो आए थे उनका नरसंहार भी कर दिया, कमाल है। कृष्णा को आज आप वो करते हुए देखिए जो शायद आपने अब तक किसी को भी नहीं करते देखा होगा। इस बहू रानी को जिम्मेदारी दी गई है, घर में माता की चौकी है और बड़ी माँ ने कहा है कि माता का श्रृंगार तो तुम ही करोगी। अब कृष्णा की आंखों पर तो पट्टी बंधी हुई है, तो इसके बावजूद भी वो माता का श्रृंगार करेगी, फिर चाहे हार की रस्सी टूट गई हो तो क्या हुआ, वो रस्सी बांध भी लेगी और माता को सजा भी देगी। बट यस, माता रानी तो हमेशा अच्छाई और सच्चाई के साथ होती हैं, तो माता रानी है तो जो होगा अच्छा होगा और बुराइयों का संहार होगा। अब जगराते का एक पड़ाव तो पूरा हुआ, लेकिन दूसरे पड़ाव में एक बहुत बड़ा हंगामा हो गया, जिसके बहकावे में आके गौरी भाग गई थी अपनी शादी से। ये देखिए वो आ गया है कुछ बहरूपियों के साथ, जहां पर उसने हमला कर दिया है। और फिर उसके बाद क्या हुआ, बहू रानी ने आंखों पर पट्टी बांधी है, इसके बावजूद उसने हाथ में त्रिशूल उठा लिया। अभी माता रानी का आशीर्वाद है तो सब कुछ करेगी ये बहू रानी। माता के त्रिशूल के सहारे उसने एक एक को ठिकाने लगाया,
बीच में पतिदेव भी आए लेकिन फिर उसे गोली लग गई। जाते जाते हम फिर से एक बार याद दिलाएंगे कि ऐसा सीन तो आपने देखा ही नहीं होगा। बदला तो कुछ नहीं लिया जा रहा है, बस वो मेरी जो प्लानिंग है उसके बीच में बार बार कृष्णा आ जाती है कहीं ना कहीं। सो वो मुझे इरिटेट कर रहा है सबसे ज़्यादा, और उस चक्कर में ये सारे इंसिडेंट हो रहे हैं उसके साथ भी और मेरे साथ भी, तो कहीं ना कहीं वही चल रही है प्लानिंग। अब ये कृष्णा बहु आंखों पर पट्टी बांधे और क्या क्या कर्तव्य दिखाएगी, ये तो वाकई में बहुत ही दिलचस्प भरा है। वैसे यहाँ पर अब बात हम करेंगे शो के डायरेक्टर वैभव की, जो कि अक्सर धोती कुर्ते में नजर आते हैं। उनकी तस्वीर को चाहत कैसे अपने कैमरे में कैप्चर कर रही है, जरा आप ये भी नज़ारा देख लीजिए। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वक्त हो गया है सास बहू और साजिश में हमारी स्पेशल रिपोर्ट का। सावन की पहली बूंद आई तो भाई इस सावन में झूला भी तो झूला जाएगा, क्योंकि सावन के साथ तीज भी तो आती है। तो लीजिए, रवि की धर्म पत्नी इस सावन में झूला झूल रही है। सावन के महीने में झूला झूलने की रस्म तो बहुत पुरानी है। अब रवि और उसकी पत्नी के बीच सब कुछ ठीक हो रहा था, लेकिन भाई क्या करे, किसी को ना एक आग पसंद नहीं है यूं प्रतीक्षा को खुश देखना। अब हम बात काव्या की कर रहे हैं, काव्या ने इस झूले को ही काट दिया। बेचारी धड़ाम से गिरी तो उसे रवि का साथ भी मिला, ये देखकर शायद काव्या को जलन भी हुई होगी। अब देखिए यहाँ पर ना कोई अपशगुन नहीं हुआ है, क्योंकि पत्नी गिरी तो सही लेकिन उसे उसके पति ने बचा लिया है। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।